Hey, so basically Pokemon Journey is episode 108 जहाँ पर ग्रेंजा वापस आने वाला है, तो उसके रिगार्डिंग एक हम लोग के पास मैगजीन इमेज आई है, यानी कि हम लोग को उस एपिसोड में जो फ्लैशबैक दिखाया जाएगा वो इमेज हम लोग के पास आ चुकी है मैगजीन की। तो मेरे ख्याल से ये चीज हम लोग को तब शो किया जाएगा जब एश लुकारियो को ग्रेंजा के बारे में बता रहा होगा, मतलब उसकी जर्नी ग्रेंजा के साथ कैसे स्टार्ट हुई थी, कुछ इसके रिगार्डिंग हो सकता है। एंड Pokemon Journey का एपिसोड 109 उसका भी एक टाइटल है, वो भी लीक हुआ है, लेकिन जो लीकर है वो पता है कौन है, वो बिल्कुल सेम वही अकाउंट है जिसे सहीना का पोस्टर रिलीज किया था। तो हम लोग बहुत हद तक उस पर बिलीव कर सकते हैं, बिकॉज यार मैगजीन आने से पहले उसने सहीना का पोस्टर लीक किया था, और ये एक्चुअली बहुत टफ है बिना मैगजीन के तुम पोस्टर भाई कैसे निकाल सकते हो, क्वेश्चन तो ये भी है ना, लेकिन उसने ऐसा किया था। तो मेरे ख्याल से हम लोग इस बार भी इस पर बिलीव कर सकते हैं कि Pokemon Journey के एपिसोड 109 वहाँ पे एश वर्सेस रिहान ये होने वाला है, ऐसा हम लोग को बताया गया है। बट देखो एपिसोड 109 के अंदर क्या होगा, क्या एश रिहान को डिफीट कर पाएगा या फिर नहीं, अब क्वेश्चन ये भी है। जैसे कि हम लोग पास एक और लीक आया था जिसको मैंने पुराने वीडियो में अपने डिस्कस किया था, तो उसके अकॉर्डिंग आज यहाँ पर यहाँ से नहीं जीत पाएगा। लेकिन भाई देखो यहाँ पे दो ऐसे पॉइंट्स है जो बहुत हद तक प्रूव करते हैं कि आज मे भी यहाँ पे जीत सकते हैं, लेकिन ये हम फिर भी 100% बिल्कुल भी नहीं कह सकते। तो फर्स्ट चीज़ है जो ऐश यहाँ से जीत सकता है वो इसलिए हो सकता है बिकॉज देखो ग्रेंजा ट्रेन कर रहा है लुकारियो को, और ट्रेनिंग के बाद लुकारियो की जो पावर है वो और इंक्रीज हो सकती है। भाई हो सकती है कि अब ऑफकोर्स भाई ग्रेंजा ट्रेनिंग के बाद लुकारियो की जो और पावर है, जो और पावर है उसकी, वो इंक्रीज होनी ही होनी है। लेकिन क्या उसके बाद भी ऐश यहाँ से हार जाएगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक लीक पे बिलीव कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हम लोग उस लीक पे 100% बिलीव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक और ऐसा पॉइंट है, तो Pokemon के एनिमे स्टोरी राइटर ने ऐसा कुछ कहा था 2021 के जून में ही कि जैसे ऐसे Pokemon Journey आगे बढ़ेगा ऐश और अनबीटेबल बनता जाएगा, और कुछ वैसा हो भी रहा है, ऐश पर सबको स्वीप करते हुए आ रहा है। लेकिन देखो यहाँ पे एक और चीज़ है, ऐश का जो बैटल स्टाइल डेवलपमेंट है वो मे भी हम लोग को ज़्यादा ना दिखे अगर ऐश बैक टू बैक मैचेस जीतता रहा तो। और हम लोग को यहाँ पे ओपनिंग के अंदर एक यहाँ पे ऐसा फेस दिखाया गया था जहाँ पे ऐश का जम थोड़ा सा उदास हो रखा था बैटल के अंदर ही, मे बी यहाँ पे ऐश कोई मैच हारेगा उसके बाद यहाँ पे ऐश का जो एनिमेशन स्टाइल है वहाँ पे हम लोग दिखाया गया कि ऐश थोड़ा सा उदास हो रखा है। और ये देखो मास्टर क्लास में अगर ऐश कोई मैच हारता भी है तो यहाँ पे रिहान वाला मैच में भी ये परफेक्ट मैच ना हो, आगे भी भाई बहुत सारे टफ कॉम्पिटिटर्स मिलेंगे यहाँ पे ऐश को, यानी कि देखो आगे सिंथिया भी है, डायंथा भी है, स्टीवन भी है, तो इतने सारे कैरेक्टर्स है, और उसमें से ऐश यहाँ पे रिहान से हारेगा और फिर से वो रेवेंज लेके वो रिहान जीत जाएगा, लेकिन फिर आगे ऐश सिंथिया डायंथा ऐसे ट्रेनर्स को भाई डिफीट कर देगा एक टर्न में, ये कितना ज़्यादा सरप्राइजिंग होगा। यानी कि हम लोग सिर्फ 2 साल पहले ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते थे ऐश एंड सिंथिया को कि ऐश यहाँ पे सिंथिया को भी डिफीट क्या कर पाएगा, लेकिन अभी हम लोग ऐसा सिचुएशन आ चुके हैं कि ऐश को हम लोग सारे बेस्ट ट्रेनर से बहुत ही आराम से कंपेरिजन कर सकते हैं, एंड इवन हम लोग बिलीव कर सकते हैं कि ऐश उनको भी डिफीट कर सकते हैं। मतलब यार Pokemon Journey बिल्कुल अपने पीक पे है, ऐश बिल्कुल अनबीटेबल से बनता जा रहा है, लेकिन क्या रिहान वाला ये जो मैच है ये थोड़ा सा अपसेट हो सकता है ऐश के लिए? वेल देखो इसकी समरी जब आएगी तब हम लोग 100% कन्फर्म हो जाएंगे, लेकिन कल देखो एक स्पेशल चीज होने वाला है। वैसे कल Pokemon Journey का एपिसोड आने वाला है, लेकिन उसके साथ साथ एक और भाई खास चीज होगा, वो है कि एपिसोड के बाद प्रीव्यू आएगा ग्रेंजा वाले एपिसोड का, तो उसको मैं सोच रहा हूँ ब्रेक डाउन करूंगा जब वो प्रीव्यू आएगा तो। बट ये तुम लोग अपने ओपिनियंस बताना कि तुम्हें क्या लगता है ऐश वर्सेस रिहान वाले मैच में क्या ऐश फर्स्ट अटेम्प्ट में रिहान से हार जाएगा, क्या कुछ ऐसा होने वाला है ग्रेंजा के ट्रेनिंग के बाद भी? वेल देखो हु नोस ऐसा होगा कि नहीं, लेकिन ये अपने ओपिनियंस में कमेंट्स करके ड्रॉप करना, और तुम लोग का वीडियो पसंद है तुम लोग लाइक करना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मैं तुम लोग को अब मिलता हूँ एक्चुअली अगले वीडियो में, तब तक के लिए यार दिस इज इट गैलेक्सी साइनिंग आउट।